उत्तर प्रदेश के हापुड़ में बारिश के कारण गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। इस समय किसान गेहूं की कटाई करते हैं, बारिश के कारण खड़ी फसल बिच गई है। हालांकि किसान अब इसी फसल की कटाई कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के अनेक राज्यों में बेमौसम बारिश हुई है, जिसके कारण लाखों हेक्टेयर फसल खराब हुई है। हापुड़ के एक स्थानीय किसान का कहना है कि फिलहाल फसलों को लगभग 25% नुकसान हुआ है और अभी भी बारिश हो रही है, जानवरों को चारा भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को मुआवजे के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि मौसम अभी भी उपयुक्त नहीं है। आपको बता दें कि तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों, आलू सहित कई अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। नुकसान कम से कम 25% फिलहाल है, और अगर बारिश पड़ती है, अब भी जब मैं खड़ा हूँ, आप कर रहे हैं, वाइट ले रहे हैं, अब भी बारिश पड़ रही है, तो ये तो अब जो 15 दिन को कम से कम बात चली जाएगी। गेहूँ कटेगी नहीं, सब यहीं जल जाएगी, गल भी जाएगी, तेज बारिश होगी तो सब गल जाएगी, और जो है जानवरों को चारा भी नहीं मिल पाएगा, गेहूँ तो क्या मिलेगी किसानों को। तो बहुत ही बड़ी ये प्राकृतिक आपदा है, और इसमें जो है हम तो कहते सरकार को अब तो रक्षा मिल गए हैं, इसका जो है देखना चाहिए आगे के लिए, और कितना भारी नुकसान हो रहा, क्या हो रहा, उसका कुछ मुआवजा वावजा भी अभी से ही तैयारी करनी चाहिए सर। बहुत घनी कह रहा हूँ, 25% तो अब है, और अब भी पड़ रही है, अभी बंद थोड़ा ही है, अभी तो मौसम ख़राब है, आगे भी पड़ सकती है। अब तो मान लिया ये खुल जावे, 10 दिन तक तो ना कटाई चले,